ईयर और फाइनल ईयर के आए हुए थे। तो मुझे याद, हम रात को बैठे हुए थे बिल्कुल बोर, हमें बाहर जाने नहीं देते थे, क्वारंटाइन करना होता था। तो हम लोग सारे अमंगस खेल रहे थे, दो हमारी जो फाइनल ईयर की जो आदमियाँ थी वो बैठी हुई थी। तो हमने उनको बताया कि हम फ्रेशमैन हैं, तो अच्छा आप फ्रेशमैन हैं, चलो हम आपको रैंक करते। तो हाँ जी हमारी रैंकिंग कर लेती थी, सब बहुत बोर हो रहे थे। तो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं कैंपस आर्क की एपिसोड 3। मैं हूं लाइबा वासित, और आपको जैसे कि पता है कि हम इस शो में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी में आने का गोल कैसे अचीव किया, किन मरहलात से गुजरे, किन काविशों से उनको ये यूनिवर्सिटी में आना नसीब हुआ। तो आज हमारे साथ हैं समरीन मुबशर, जो कि नस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर, उन्होंने एडमिशन 2020 में लिया, और उनके बारे में, उनको जो है यूनिवर्सिटी में फैसलाबादी से जाना जाता है। अब इसका क्या रीज़न है, ये अब हम उसे ही पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम समीन, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आज अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो समीन, हमने तो आपका थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन अब आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि आपने बारे में बताएं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करती हैं, आपके उसके अलावा आपके बारे में क्या फन फैक्ट्स हैं, थोड़ा उसको आगाह कीजिए अपने बारे में। मैं समीन, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा एसएससी अपनी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। जब मैं नस के अंदर आई थी तो ऑरिएंटेशन हमारी वैसी ही हुई थी जैसी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। तो जब मैं अपना दसवीं में फैसलाबादी जानी जाती थी, एक्चुअली जब उन्होंने मुझे बुलाया तो क्या कहते हैं कि आप आ जाओ, आप अपने जो वगैरह दो एंड ऑल दैट। तो फिर मैं आई, सब लोग अपने एरियाज वगैरह के बारे में बता रहे थे, मैंने बताया फैसलाबाद से हूँ। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि आपके बारे में इंटरेस्टिंग बात किया, तो मैंने उनको कह दिया था कि मैं फैसलाबाद में हूँ, यही बहुत इंटरेस्टिंग। तो इस पर फिर शुरू वोटिंग वगैरह हुई एंड ऑल दैट। उन्होंने कहा कि अच्छा फैसलाबाद में है तो फिर आपको जितने भी मारती होंगी ये वो, फिर उन्होंने मुझे जितने मरवाई थे, बस इस तरह सारा क्या कहते हैं होता रहा। उन्होंने मेरी रैगिंग भी जितों से की, फिर सारी जितों ही चलती रही थी। अच्छा, तो आपकी हल्की फुल्की रैगिंग हो गई। हाँ जी, सही। तो आपने नस्ट की ओरिएंटेशन का जिक्र किया है, तो आप बताएं कि आपका ओरिएंटेशन का एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि क्योंकि कोविड था, कोविड में कोई इवेंट कराना बहुत मुश्किल था, बच्चों को इकट्ठा करना, मतलब उस तरह पहले वाली जैसी इवेंट तो नहीं हो सका जैसे कि पूरे कॉन्सर्ट्स, कवाली नाइट और वो सारा होता है, लेकिन फिर भी सीनियर्स ने कोशिश की। तो आपका कैसा ये एक्सपीरियंस रहा? अच्छा जब हम लोग नाच के अंदर आए थे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारी ओरिएंटेशन होगी भी, हमें ये भी सोच नहीं आए थे कि हमारी ओरिएंटेशन भी होगी, क्योंकि पता था कोरोना की सिचुएशन है, इवेंट्स वगैरह भी नहीं होंगे। तो ओरिएंटेशन हुई तो थी, लेकिन वही हम लोगों को एग्जाम हॉल के अंदर हमारी ओरिएंटेशन की, और हम यार क्या है, यहाँ से तो भी पेपर दे के आए थे, फिर यहीं से बुला लिया उन्होंने। तो क्या कहते हैं, वहाँ पर हुई थी दो कॉल्स उन्होंने कनेक्ट किए वैसे वर्चुअली, वहाँ पर सारी वही बोरिंग बोरिंग स्पीचेस वगैरह, मतलब सारा इंट्रो वगैरह उन्होंने दिया था, इतनी कोई मजे की नहीं जिस तरह होती थी कवाली नाइट, आज ये नाइट हो रही है, कल ये कॉन्सर्ट है, परसों ये आएगा, तो आज पे इस तरह तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमारे सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो हमें सारी नस घुमाएं, नस के बारे में बताएं। अरे एक सीनियर सपोज जो है उन्होंने मिलकर अपना अपना ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर, और क्या कहते हैं फिर उन्होंने फ्रेशमैन को इकट्ठा किया, फिर कोई पूरी नस घुमाई उन्होंने, नस ट्रेल पर लेके गए, बहुत एक्सपीरियंस किया था। तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, लेकिन वैसी नहीं हो सकती, लेकिन यस ओरिएंटेशन बहुत अच्छी थी, मजा आया। सही। तो क्या कहते हैं समीन, आपने ये मेंशन किया था कि आप फैसलाबाद से हैं, तो आप अभी नस्ट में तो हॉस्टल में रह रही होंगी, तो आप हॉस्टल आई हैं राइट? यस तो आपकी हॉस्टल लाइफ अभी तक आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी रही? लाइक हॉस्टल लाइफ इज लिटरली फन, लाइक ये आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा। अब हमारे साथ ये था कि हम आए थे तो सिर्फ फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के आए हुए थे। तो मुझे याद, हम रात को बैठे हुए थे बिल्कुल बोर, हमें बाहर जाने नहीं देते थे, क्वारंटाइन किया होता था। तो हम लोग सारे अमंगस खेल रहे थे, दो हमारी जो फाइनल ईयर की जो आपियाँ थी वो बैठी हुई थी। तो हमने उनको बताया कि हम फ्रेशमैन हैं, तो कहते अच्छा आप फ्रेशमैन हैं, चलो हम आपकी रैंक करते। तो मैंने कहा हाँ जी हमारी रैंकिंग कर ले प्लीज, हम बहुत बोर हो रहे हैं।
तो इस तरह उनके साथ बैठे थे, उन्होंने सारी नर्स के बारे में बताया कि नर्स के अंदर जब आप आते हैं फिर क्या होता है और किस तरह आपको सारा गुजारना है। फिर हमारी उनके साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट हो गई। उसके बाद हम लोगों ने इस तरह हुआ कि हम लोग ने रूम्स वगैरह हमारी आपस में इंटरेक्शन हो गई, तो जिसके जिसके साथ इंटरेक्शन हुई थी उसने उसके साथ वो अपना रूम ले लिया, और इस तरह करके हमने सारा चेकिंग करके तो हमारा तो बस फिर। तो उसके बाद फिर हर रात हम लोग बाहर जाते थे 9 से 10, आपसी पूरी नाक घूमते थे, चाय पर पीते थे, लाइक वो बहुत अच्छा हॉस्टल में। फिर हम लोगों ने मूवी नाइट भी करनी होती थी, सब कुछ वो बहुत आपकी जिंदगी का एक बहुत मजे जी का पार्ट होता है। सही। तो समीन, आपने मेंशन किया कि आपकी थोड़ी सीनियर से इंटरेक्शन हुई, तो आप मुझे मतलब इस बारे में बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपके सीनियर्स मतलब के फ्रेशमैन, क्योंकि आप अभी फ्रेशमैन हैं, तो आपकी सीनियर्स के साथ भी आपने जैसे मेंशन किया इंटरेक्शन अच्छी थी, तो आपको कितनी मतलब उन्होंने सपोर्ट की, कितनी आपके आपको हेल्पफुल रहे, आपको कितना गाइड किया उन्होंने? इतना ज्यादा लाइक आपको आप सोच नहीं सकते कि इतना ज्यादा उन्होंने हमें गाइड किया। हमें कोई भी मसला आता था हम लोगों ने बस कॉल करनी देती थी, आप ये हो गया, और उन्होंने आधा तो कोई मसला नहीं है मैं सॉल्व कर दूंगी, कोई मसला नहीं। लाइक वो कंप्यूटर साइंस की थी एंड उन्होंने हमें हर चीज लैपटॉप की एक एक चीज से लेकर प्रोग्रामिंग की एक एक चीज से लेकर हमें सब कुछ करवाया, सब कुछ मजा भी किया हम लोगों ने मिलकर साथ। उन्होंने हमें गाइड भी दिया, इवन कि मेरा अपना मोबाइल जब डिसेबल हो गया था तो मुझे लेकर फिर नस में भी वो घूम रही थी कि इसका कोई किसी तरह इनेबल करवा दें वगैरह वगैरह। तो इतना उन्होंने बहुत ज्यादा गाइड किया, सही। तो समीन आपने, लाइक हाँ ओके, मतलब अभी अगर मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं ना हुई अगर हॉस्टल लाइफ में हॉस्टल में वगैरह या, तो वो उनकी वजह, सीनियर की वजह से, क्योंकि मैंने पहले गाइड कर दिया था कि ऐसे करना ऐसे होना ऐसे होना। सही। तो समीन आपने मेंशन किया था कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो आप जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों चूज की, मतलब इसके पीछे का क्या रीजन और राज है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए की क्योंकि आगे दुनिया जो है वो सारी प्रोग्रामिंग की तरफ आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है सारी दुनिया। और मतलब कि इतनी मजे की चीज है ना कि अगर आपको समझ आ जाए कि आपने लॉजिक बनाना किस तरह, तो आप अपने कानों से लगाइए, हैंड चलाएं, इसलिए करें साथ साथ, बनाई जाए साथ साथ, मतलब बहुत मजा आता है इसको डिजाइन करने में, बहुत मजा आता है। और इसके अंदर इतनी बेस्टनेस है इतनी ज्यादा कि आप सही। तो बहुत मजा आता है। और तो समीन, आप आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किसका है, FSC आपका, ए लेवल्स का? मेरा एफएससी का FSC का। तो FSC से सॉफ्टवेयर में आना, क्योंकि FSC आपको पता है थोड़ी सी मतलब उसमें क्रैमिंग चल रही होती है, थोड़ी बुक्स को बस पढ़ा जा रहा होता है, एंड देयर इज नथिंग आउट ऑफ द बुक, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर फिर ऐसी है कि यार जिसमें आपको खुद सोचना पड़ा होता है, आपको चीजें खुद बनानी पड़ी होती है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ा होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो एक 360 डिग्री का टर्न कैसा था आपका भी, मतलब कैसा आपने उसको टैकल किया? स्टार्ट में बहुत मुश्किल थे, 1 मिनट 1 मिनट मुझे लगा था शायद लाइक होगा ही नहीं क्योंकि मुझसे बन ही नहीं रहा था, मतलब मुझे लगता था कि शायद मेरे मैंने गलत चूज कर लिया, मुझे नहीं आना चाहिए इस तरह। लेकिन आपको वो लगता है कि आप इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आपको जब समझ आने लग जाती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता यार ये तो कोई काम नहीं था, परेशान हो रही है कोई काम। और सबसे ज्यादा डिपेंड करता है टीचर पर कि टीचर आपको किस तरह से मदद करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो आसानी से हो गया था। लाइक पहले पहले वो था कि यार क्योंकि हम लोग FSC बैकग्राउंड से थे, कुछ ICS के हैं, ICS के फिर वो आप उनके साथ अपना कंपैरिजन कर रहे होते हो कि उनको तो इतना आता है हमें आता, तो तब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी वहीं पर ही जहाँ पर वो होते हैं आप थोड़ी सी मेहनत के साथ उनके बराबर चले जाते हैं क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा अच्छे होते। फिर टीचर्स जो हमें उनके बराबर ले जाते हैं कि इन्होंने यहाँ तक सिखाया तो केमिस्ट्री वाले बैकग्राउंड या FSC वाले और लेवल वाले जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कंप्यूटर तो वो उसके हिसाब से चले जाए, मतलब उनका भी वही लेवल होता है जो ICS वाले का। सही। तो अभी हमने क्या कहते हैं आपकी उसके फील्ड के लिहाज से बात की, तो आप मुझे थोड़ा एकेडमिक के बारे में बताएं कि आपकी जो नस्ट की एकेडमिक लाइफ है, जैसे आपके कोर्सेज हैं वो, मतलब आपको मतलब क्योंकि कुछ प्रोग्रामिंग होते हैं, कुछ थोड़े मैथमेटिकल होते हैं, तो मैथमेटिकल से तो आपका पता ही, आपको थोड़ी आगाही थी ही, बट प्रोग्रामिंग थोड़ी आपके लिए न्यू थी, तो मतलब आपके लिए आपको टीचर्स उसमें कितना मतलब आपको उस पे आपको सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स ने आपके साथ मतलब नस्ट का एनवायरनमेंट कैसा था आपके लिए कि आपको उस चीज के साथ आपने कॉप किया?
बात ये थे जब टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्टिव आपकी क्लास होती है, आपकी क्लास कर देते हैं अगर तो आप उनके साथ बना के रख लेते हैं ना, तो बहुत बहुत सपोर्ट हो जाती है, वो आपको एक एक चीज करवा देते हैं। वैसे मशहूर है कि स्नेक बहुत है, मतलब नाच की बात बहुत है। लेकिन मेरे ख्याल मतलब हाँ होते हैं, हर अपने गोल के लिए जाते ही है, अब हर एक ये है कि मेरे ज्यादा मार्क्स है, मेरे ज्यादा है, लेकिन है, लेकिन आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलती है। मुझे प्रोग्रामिंग में ना, मुझे याद है मेरे क्लास में बहुत ज्यादा ये देखो ये प्रोग्राम इस तरह बना हुआ है, ये आदान कर रहा है, ये वो, ये कैलकुलस का कोई क्वेश्चन है तो तुम हम मैं उनको कैलकुलस करवा देती थी, क्योंकि मैं तो नहीं करवा जाता था, मैथ आता था मुझे, प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग करवा प्रोग्रामिंग करा देते थे मैं उनको, इस टाइम चीजें करा देते, तो आप एक दूसरे को लेकर चले रहे थे, तो बहुत अच्छा होता है। समीन मुझे जरा ये बताएं कि अब भी क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, और सब कुछ मतलब आपका हॉस्टल भी ऑलमोस्ट लॉकडाउन में होता है, यूनिवर्सिटी भी, तो उस लिहाज से और ओरिएंटेशन भी आपको पता है कि थोड़ा किस तरह की, मतलब उस तरह से हम लोग इवेंट्स नहीं हो पाए, तो आप थोड़ा इस बारे में बताएं कि आपको नस्ट का जो सिस्टम नस्ट ने बनाया था कोविड को से प्रिकॉशंस के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि मतलब इस तरह के हालात में यूनिवर्सिटी खोलना, आपके उसके बारे में क्या व्यूज हैं, कि कमेंट्स हैं? सारी यूनिवर्सिटी कोविड को लेकर, क्योंकि हम आते ही 5 डेज उन्होंने क्वारंटाइन किया अलग अलग रूम में अकेले अकेले सिंगल पे, फिर उसके बाद उन्होंने हमें हॉस्टल में रूम से किए, फिर हम वहाँ पर आए, फिर उन्होंने हमें बाहर जाने दिया, और इतना होता था कि डे स्कॉलर का अलग दिन होता था, हॉस्टल लाइफ का अलग होता था, यानी हमारी डे स्कॉलर से बिल्कुल कोई इंटरेक्शन नहीं थी, क्योंकि उन्हें बाहर जाना होता था, कोविड कैरियर वगैरह प्रॉब्लम हो जाती थी, इसीलिए कोविड की सिचुएशन में सही। तो समीर ने जरा इस बारे में बताएं कि क्योंकि कोविड आपका एडमिशन भी कोविड की सिचुएशन में ही हुआ है, ठीक है, तो आपने मतलब उस टाइम में क्योंकि एक बहुत ज्यादा एक अति स्ट्रेसफुल सारी सिचुएशन थी कि आपको कुछ पता नहीं कि आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज का क्या हो रहा है, कोई किसी दिन यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो रहे हैं, कभी कोई डेट आ रही है, कभी पोस्टपोन हो रही है, तो वो सारा एक जो सिचुएशन थी वो आपने किस तरह कॉप अप की, उसमें आपने किस तरह प्रेपरेशन की, और आपका एफएससी का बैकग्राउंड था तो उसमें आपने लाइक क्योंकि आपको ये था कि अच्छा पेपर्स का पता नहीं, पेपर्स का क्या होता है, होंगे कि नहीं होंगे, तो उस सारी चीज को लेके फिर आपने टेस्ट की प्रेपरेशन कैसे की और किन किन यूनिवर्सिटीज की थी? बात ये है कि हमारी बहुत ज्यादा वर्स्ट थी, क्योंकि हमारा कोई मैनेज नहीं था, हमारे पेपर्स नहीं हुए, मतलब पहले हम लोग पेपर्स की तैयारी करते रहे कि पेपर्स होने नहीं होने नहीं होने, फिर उसके बाद हम लोग जब वो उनका फैसला, मैंने नहीं तब तक नेट की तैयारी स्टार्ट की थी, नेट की नेट 1 दिया था, नेट 2 भी डिले हो गया था और नेट 3 भी काफी डिले था, तो नेट 1 तो मैंने दिया हुआ था, मेरे 141 मार्क्स है अलहमदुल्ला, तो मेरा एडमिशन नेट 1 से किया था, तो क्या कहते हैं मुझे तो इतना नेट के लिए इतना कोई नहीं था मसला, मुझे था कि शायद ज़्यादा स्कूल कर दें, लेकिन मैं बेसिकली एस एस सी की मार्क्स की तरफ ज़्यादा फोकस थी, कि जो पेपर नहीं हुए थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया, उसके बाद फिर आपने सिर्फ शो हमें बहुत मजा आया आपकी बातें सुनकर, एंड आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स होने की कोई अच्छी बात आपके लिए होगी, कोई ना कोई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा आपका इंटरव्यू, तो अच्छा, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर शो गाइस,
and stay tuned for episode 4 and do like our show and thank you so much Sameen. Okay, once again, Allah Hafiz guys.